हेलो फ्रेंड्स, फिर से और एक नई वीडियो में आज की बताने वाली डेटा रोमिंग को डिसेबल कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है वीवो Y11। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर पहले आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इसका इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा सिम, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से सिम नंबर एंड नेम चेंज कर सकते हैं। और यहीं पर आपको दिखता है डेटा रोमिंग, इसे डिसेबल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। एंड ये आपका डिसेबल हो चुका है। अगर आपको इसे इनेबल करके रखना है तो आपको यहीं से इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है कनेक्ट पर। इसके बाद आपका ये इनेबल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में डेटा रोमिंग को इनेबल कर सकते हैं और इसको यहीं से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आई होप आप सीखिए कि डेटा रोमिंग को डिसेबल कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपको और भी सेटिंग के ऊपर बता देती हूँ। यहीं पे आपको दिखता है वाईफाई कॉलिंग, इसी के ऊपर आप इसे भी इनेबल इस प्रकार कर सकते हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पर, इसको पढ़कर आप इसे इसका यूज़ कर सकते हैं वाईफाई कॉलिंग का। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा VoLTE कॉल, यानी कि आपको इसे भी इनेबल करके रखना चाहिए। इसी के साथ साथ तब आपका ये नॉर्मली काम करेगा, मतलब कि अच्छे जैसे काम करेगा। देख सकते हैं ये दोनों इनेबल हो चुका है। तो आपका जो भी आपका यूज़ करना है आपका ये हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना तो इस प्रकार से डिसेबल करते हैं VoLTE कॉल को और इसी प्रकार से इनेबल करते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको डिसेबल करने के लिए आपको यहीं पर क्लिक करना है तो आपका ये डिसेबल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वाईफाई कॉलिंग को इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपने दोनों सेटिंग्स जान चुके हैं। इसी के ऊपर देखते हैं यहाँ पे सिम कार्ड नंबर, तो यहाँ से आप नंबर चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऐड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका नेम नंबर चेंज हो चुका है। और यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, और सॉरी फ्रेंड्स हो गया गलती से, तो यहीं से आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं नेम चेंज हो चुके, नॉर्मली बैक करेंगे। इसके बाद आपका देख सकते हैं सिम कार्ड नंबर एंड नेम चेंज हो चुका है। तो इसी प्रकार से इसे चेंज कर सकते हैं। और डेटा रोमिंग को आप जैसे कि चुके डिसेबल कैसे करते हैं, तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में डेटा रोमिंग को डिसेबल कर सकते हैं। तो आई होप आप सीखिए चुके डेटा रोमिंग को डिसेबल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।